बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किया हुआ था, और आज हम स्टार्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से, एक्सरसाइज 1.4, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, वेरीफाई दैट A into B plus C is equal to AB plus AC for the following matrices। तो matrix हमारे पास है, matrix A is equal to 1, 2, 3, -1, 1। इसी तरह मैट्रिक्स B है हमारे पास 1, 0, 0, 2, एंड मैट्रिक्स C इज इक्वल टू 3, -1, 0, 2। A into B plus C बराबर है AB plus AC। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, और ये राइट हैंड साइड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू फाइंड दिस लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं A into B plus C, मैट्रिक्स A। तो मैट्रिक्स A है हमारे पास 1, 2, 3, -1 इंटू B प्लस C, मैट्रिक्स B 1, 0, 0, 2 प्लस मैट्रिक्स C। तो C है हमारे पास 3, -1, 0। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले ब्रैकेट को साफ सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास ब्रैकेट है, ब्रैकेट में हमारे पास एडिशन है। तो सबसे पहले हम एडिशन करेंगे। तो A इंटू B प्लस C इज इक्वल टू, ये अपनी जगह पे आएगा 1, 2, 3, -1 मल्टीप्लाइड बाय दिस मैट्रिक्स। तो ये दोनों हम ऐड करेंगे, तो 1 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 4, 0 प्लस -1, 0 प्लस -1, इसी तरह 0 प्लस 0 एंड 2 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 4। सो A इंटू B प्लस C इज इक्वल टू 1, 2, 3, -1 मल्टीप्लाइड बाय दिस मैट्रिक्स विच इज 4 प्लस -1। तो 0 -1 विच इज इक्वल टू -1, 0 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 0 एंड 2 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 6। अब स्टूडेंट्स, आप इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। तो A इंटू B प्लस C विल बी इक्वल टू मल्टीप्लाइंग फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम। ये हमारे पास है फर्स्ट रो, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 विच इज इक्वल टू 4 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 0, 2 0s are 0। नाउ मल्टीप्लाइंग फर्स्ट रो विद दिस सेकेंड कॉलम, सो 1 मल्टीप्लाइड बाई -1 विच इज इक्वल टू -1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 विच इज इक्वल टू 12। Now multiplying the second row with first column, so 3 multiplied by 4 which is equal to 3, 4s are 12,
plus minus 1 multiplied by 0, which is equal to 0. Now multiplying the second row with second column, so 3 multiplied by minus 1, which is equal to minus 3, plus minus 1 multiplied by 6, which is equal to minus 6. Now A into B plus C will be equal to four plus 0, 4, minus 1 plus 12, which is equal to plus 11, 12 plus 0, which is equal to 12, and minus 3, or a plus minus minus ban jayega, so minus 3 minus 6, which is equal to minus 9. ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गया a into b plus c. Now we will have to find right hand side. Right hand side है हमारे पास a b plus a c. तो अब हम right hand side find करेंगे कि इससे भी यही लेफ्ट हैंड साइड आता है या नहीं. तो right hand side है हमारे पास a b plus a c. तो सबसे पहले हम a और b को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर a और c को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर दोनों मैट्रिसेस को ऐड करेंगे. तो फिर हम देखेंगे कैसे वही लेफ्ट हैंड साइड वाला मैट्रिक्स आया है या नहीं. तो a इंटू b, तो a हमारे पास है 1, 2, 3, 1, माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स b. तो मैट्रिक्स b है हमारे पास 1, 0, 0, 2 प्लस ए मैट्रिक्स ए हमारे पास 1, 2, 3 माइनस 1, और इसी तरह मैट्रिक्स सी है हमारे पास 3 माइनस 1, 0, 2. तो सबसे पहले हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं. सो मल्टीप्लाइंग फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, so 1 multiplied by 1, which is equal to 1, plus 2 multiplied by 0, which is equal to 0. Now multiplying this first row with second column, so 1 multiplied by 0, which is equal to 0, plus 2 multiplied by 2, which is equal to 4. 2 2s are 4. Now multiplying this second row with first column, second row with first column, so 3 multiplied by 1, which is equal to 3, plus minus 1 multiplied by 0, which is equal to 0. Now multiplying the second row with second column, so 3 multiplied by 0, which is equal to 0, plus minus 1 multiplied by 2, which is equal to minus 2. Now plus multiplying first row with first column, ye hamare paas hai first row with first column, so 1 multiplied by 3, which is equal to 3, plus 2 multiplied by 0, which is equal to 0. Now multiplying this first row with second column, so 1 multiplied by minus 1, which is equal to minus 1, plus 2 multiplied by 2, which is equal to 4. Now multiplying the second row with first column, so 3 multiplied by 3, which is equal to 9, plus minus 1 multiplied by 0, which is equal to 0. Now multiplying the second row with second column, so 3 multiplied by minus 1, which is equal to minus 3, plus minus 1 multiplied by 2, which is equal to minus 2. मजीद हम साफ करते हैं. 1 प्लस 0, विच इज इक्वल टू 1, 0 प्लस 4 इक्वल टू 4, 3 प्लस 0 इक्वल टू 3, एंड 0 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 0 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2, प्लस 3 प्लस 0 इक्वल टू 3, माइनस 1 प्लस 4 इक्वल टू 3, एंड 9 प्लस 0 इक्वल टू 9, एंड प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 3 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 5. अब इन दोनों मैट्रिक्स को जमा करें. 1 प्लस 3, 4 प्लस 3, 3 प्लस 9,
और माइनस टू प्लस माइनस फाइव तो ऐड कर रहे हैं दोनों मैट्रिक्स को, वन प्लस थ्री इक्वल टू फोर, फोर प्लस थ्री इक्वल टू सेवन, थ्री प्लस नाइन इक्वल टू ट्वेल्व और प्लस माइनस माइनस, सो माइनस टू माइनस फाइव इक्वल टू माइनस सेवन। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गया। ए बी प्लस ए सी, क्वेश्चन नंबर टेन, इसमें बी पार्ट है वो आप खुद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर टेन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर टेन है, लेट आई इज इक्वल टू वन जीरो जीरो ए जीरो वन एंड मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू फाइव माइनस थ्री फोर एट, और इस तरह मैट्रिक्स बी हमारे पास गिवन है माइनस सेवन थ्री टू एट, देन फाइंड ए आई इंटू बी आई। क्वेश्चन नंबर टेन है, लेट आई इज इक्वल टू, आई हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1, मैट्रिक्स ए हमारे पास बी के वन ये है 5 माइनस 3 एंड 4 6, और इसी तरह मैट्रिक्स बी हमारे पास बी के वन है 7 3 2 8, फाइंड नंबर वन ए आई, नंबर टू बी आई। तो इन दोनों पार्ट में स्टूडेंट्स हम एक पार्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपके लिए पार्ट टू सॉल्व करता हूं बी आई, दोनों पार्ट से मैं एक जैसे फर्स्ट में आप मैट्रिक्स ए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे, और इस तरह पार्ट टू में हम मैट्रिक्स बी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्यों नहीं, फॉर एग्जांपल मैं ये सॉल्व करता हूँ, तो मैट्रिक्स बी है हमारे पास माइनस सेवन थ्रू थ्री टू एट मल्टीप्लाइड बाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो वो हमारे पास है 1 0 0 1, सो मल्टीप्लाई फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम माइनस सेवन मल्टीप्लाइड बाई वन विच इज इक्वल टू माइनस सेवन प्लस थ्री मल्टीप्लाइड बाई जीरो इक्वल टू जीरो। नाउ फर्स्ट रो विथ सेकेंड कॉलम, सो माइनस सेवन मल्टीप्लाइड बाई जीरो विच इज इक्वल टू जीरो
plus 3 multiplied by 1 which is equal to 3. Now multiplying second row with first column, so 2 multiplied by 1 which is equal to 2 plus 8 multiplied by 0 equal to 0. Now multiplying second row with this second column, so 2 multiplied by 0 equal to 0 plus 8 multiplied by 1 which is equal to 8. So BI will be equal to minus 7 plus 0 equal to minus 0, 0 plus 3 equal to 3, 2 plus 0 equal to 2, or 0 plus 8 equal to 8. So ऐसे हमारे पास दोबारा वही original matrix matrix B आ गया. Minus 7, minus 7, 3 तो 3 है, 2, 8, 2, 8. तो students याद रखिए आप, जब भी हमारे पास किसी मैट्रिक्स के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाए तो इससे दोबारा वही ओरिजिनल मैट्रिक्स आएगा. यानी कि जिस मैट्रिक्स के साथ भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाए तो इससे दोबारा वही ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, प्रूफ दैट मैट्रिक्स ए हमारे पास गिवन है 3, 2, 1 और इसी तरह मैट्रिक्स बी हमारे पास गिवन है -3, 4, 2 एंड प्रूफ दैट ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज. तो हम जब लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में हम सबसे पहले ए प्लस बी को ऐड करेंगे, ए और बी मैट्रिक्स को ऐड करेंगे और इसके बाद जो मैट्रिक्स आ जाए उस पे हम ट्रांसपोज लेंगे. तो लेफ्ट हैंड साइड हम साथ करते हैं मैट्रिक्स ए, तो ए हमारे पास है 3, 2, 1 प्लस मैट्रिक्स बी, तो बी हमारे पास है -3, 4, 2 और होल ट्रांसपोज है तो ट्रांसपोज हम लेते हैं इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज. तो मैट्रिक्स ए का हम ट्रांसपोज लेते हैं तो 3, 2, 1 ये हमारे पास रो में है तो इसको हम कॉलम में लिखेंगे, ये मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज हो गया प्लस मैट बी ट्रांसपोज, तो बी का हम ट्रांसपोज लेते हैं तो -3, 4, 2 ये हमारे पास रो में है तो इसको हम कॉलम में लिखेंगे. नाउ इन दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड करेंगे तो 3 प्लस -3 इसी तरह 2 प्लस 4 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप ऐड करेंगे और 1 प्लस 2 और होल ट्रांसपोज अपनी जगह देंगे इज इक्वल टू इसको भी आप ऐड कर लें 3 प्लस -3 2 प्लस 4 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड करेंगे और 1 प्लस 2 मजीद साथ पढ़ते हैं 3 प्लस -, सो 3 माइनस 3 इक्वल टू 0, 2 प्लस 4 इक्वल टू 6 और 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 और होल ट्रांसपोज अपनी जगह दिया गया 3 प्लस -, 3 माइनस 3 इक्वल टू 0, 2 प्लस 4 इक्वल टू 6 और 1 प्लस 2 इक्वल टू 3. सो हम मजीद साफ करते हैं, अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, एडिशन तो हमने किया हुआ है, अब हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे, होल ट्रांसपोज है तो हम ट्रांसपोज लेंगे तो 0, 6, 3 ये रो में है तो ये कॉलम में हम लिखेंगे इज इक्वल टू
ये अपनी जगह दे गया 063, तो ये इक्वल है, यानी कि ए प्लस बी होल ट्रांसपोज बराबर होगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज का। इसी तरह इसमें एक और पार्ट दिया हुआ है, प्रूव दैट ए माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, तो ये आप खुद सर्च करेंगे, यानी यहाँ पर सिर्फ माइनस आ जाएगा। पहले हम a माइनस बी करेंगे, a माइनस यहाँ पर माइनस आ जाएगा a माइनस बी, और फिर इसके बाद जो आ जाए सब्ट्रैक्शन से उसी पे हम ट्रांसपोज लेंगे, और राइट साइड पे सिर्फ यहाँ पर फिर माइनस हो जाएगा a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज, यानी इस मैट्रिक्स से आप इसको तफरीक करेंगे तो वो दोनों बराबर होंगे, तो वो आप खुद सॉल्व करेंगे। इसी तरह उन्होंने सी और डी मैट्रिक्स भी उन्होंने दिए हुए हैं, और कहा हुआ है कि सी प्लस डी होल ट्रांसपोज बराबर है सी ट्रांसपोज प्लस डी ट्रांसपोज, ये आप प्रूफ कर लें। तो ये हमने किया हुआ है, एडिशन का हमने किया हुआ है, उसी तरह से आप ऐड कर लेंगे, और राइट हैंड साइड पे भी उसी तरह से वो यहाँ पर सी ट्रांसपोज प्लस डी ट्रांसपोज हो जाएगा, और वो फाइंड करेंगे तो वो दोनों इक्वल आ जाएंगे, ये आप खुद प्रैक्टिस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.4 का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 12, इफ ए इज इक्वल टू 25 माइनस 34, बी मैट्रिक्स है हमारे पास माइनस 1 1 2 3, शो दैट ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये हमने प्रूव करना है कि ए बी होल ट्रांसपोज बराबर है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का, तो इस मैट्रिक्स में हम यानी हमने प्रूव यही करना है, तो ए बी, तो सबसे पहले हम ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, मैट्रिक्स ए हमारे पास 25 माइनस 43 माइनस 34 मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स बी, तो बी है हमारे पास माइनस 1 1 2 3, ये हम लेते हैं ए बी होल ट्रांसपोज, लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया हुआ है, हम पहले लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करते हैं और उसके बाद फिर राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे। तो ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाइंग फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, सो 2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 1 विच इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 10। नाउ फर्स्ट रो विथ सेकेंड कॉलम, सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 विच इज इक्वल टू 2 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 विच इज इक्वल टू 15। नाउ मल्टीप्लाइंग सेकेंड रो विथ फर्स्ट कॉलम, so minus 3 multiplied by minus 1 which is equal to plus 3 plus 4 multiplied by 2 which is equal to 8. Now multiplying this second row with second column, so minus 3 multiplied by 1 which is equal to minus 3 plus 4 multiplied by 3 which is equal to 12. तो a b होल और ट्रांसपोज आप लेंगे, इसका होल ट्रांसपोज भी है तो हम ट्रांसपोज लेंगे, तो a b होल ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू माइनस 2 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 8, 2 प्लस 15 विच इज इक्वल टू 17, 3 प्लस 8 विच इज इक्वल टू 11, एंड माइनस 3 प्लस 12 विच इज इक्वल टू प्लस 9, और होल ट्रांसपोज अपनी जगह पे। अब आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले रहे हैं, तो ए बी होल ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू, ये हमारे पास रूम है 8 17, तो उसको हम कॉलम में लिखेंगे, और इसी तरह 11 9 हमारे पास सेकेंड रूम है तो इसको आप सेकेंड कॉलम में लिखेंगे 11 9, ये हमारे पास ए बी होल ट्रांसपोज आ गया।
अब हम फाइंड करते हैं बी राइट हैंड साइड यानी बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो सबसे पहले आप मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज लेंगे, तो मैट्रिक्स बी का हम ट्रांसपोज ले रहे थे माइनस वन वन, ये हम कॉलम में लिखेंगे, और इसी तरह टू थ्री हम सेकेंड कॉलम में लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाई ए ट्रांसपोज। तो मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज ले रहे हैं तो टू फाइव ए हमारे पास रूम है, तो इसको हम कॉलम में लिखेंगे, और इसी तरह माइनस थ्री फोर ए हमारे पास सेकेंड रूम है, तो इसको हम सेकेंड कॉलम में लिखेंगे। नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ ऑफ दीज, सो मल्टीप्लाइंग फर्स्ट रूम विद फर्स्ट कॉलम, माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई टू विच इज इक्वल टू माइनस टू प्लस टू मल्टीप्लाइड बाई फाइव विच इज इक्वल टू टेन, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट रूम विद सेकेंड कॉलम, सो माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई माइनस थ्री विच इज इक्वल टू प्लस थ्री एंड टू मल्टीप्लाइड बाई फोर विच इज इक्वल टू एट। नाउ मल्टीप्लाइंग दिस सेकेंड रूम विद फर्स्ट कॉलम, सो टू मल्टीप्लाइड बाई वन विच इज इक्वल टू टू प्लस थ्री मल्टीप्लाइड बाई फाइव विच इज इक्वल टू फिफ्टीन। नाउ मल्टीप्लाइंग दिस सेकेंड रूम विद सेकेंड कॉलम, सो वन मल्टीप्लाइड बाई माइनस थ्री विच इज इक्वल टू माइनस थ्री एंड थ्री मल्टीप्लाइड बाई फोर विच इज इक्वल टू ट्वेल्व। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस टू प्लस टेन विच इज इक्वल टू एट, थ्री प्लस टेन विच इज इक्वल टू एलेवन प्लस एट विच इज इक्वल टू एलेवन, टू प्लस फिफ्टीन विच इज इक्वल टू सेवनटीन एंड माइनस थ्री प्लस ट्वेल्व विच इज इक्वल टू प्लस नाइन। ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गया, तो वो दोनों सेम आ गए, एट एलेवन सेवन सेवनटीन नाइन है, और इस तरह ही भी हमारे पास एट एलेवन सेवनटीन नाइन है। यानी इसका मतलब ये है कि ए बी होल ट्रांसपोज बराबर होगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का। हमने प्रूव किया हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, आज तक के लिए इतना काफ़ी है, कल मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा, खुदा हाफिज़।